के सहयोग से, नासा के सहयोग से अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले। तो ये सब बड़ी चीज़ें, ये एक तरह से एक रूपरेखा बन गई है क्या चीज़ डिस्कस होने वाली है, और वो सिर्फ अभी नहीं है, वो रूपरेखा बन गई कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ भी क्या किस चीज़ की पर वार्ता चलेगी। जी जल्दी से शाजिया एक कमेंट आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अब अगर हम पूरे रिश्ते को देखें तो अल्टीमेटली जब प्रधानमंत्री लौटेंगे तब तक वो यूएन में भी बोल चुके होंगे। ये तो आज सबसे पहला आज सीईओस के साथ उनकी मुलाकात थी, इन्वेस्टमेंट को लेकर वो इस वक्त गंभीर हैं, उसके बाद कमला हैरिस से मिल, और सबकी नजर अब जो बाइडेन से प्रेसिडेंशियल बायलैटरल पर है, तो जो प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल उनका होने वाला है उसको लेकर एक उत्सुकता है लोगों के मन में। एक खाका लोग जानना चाहते हैं कि अफगानिस्तान पर, पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ क्या कमिटमेंट होगा, क्या पीएम वहां पर ठोक कर बोलेंगे, ये तमाम बातें लोगों के मन में है। देखिए अगर आप पूरी तौर से देखेंगे तो लगातार भारत ने जब से ये एक तरह से जो एक रजीम फॉर्मेशन हुआ है अफगानिस्तान में, तो भारत ने अलग अलग फोरम में अपनी राय प्रकट की है, और SCO में प्रधानमंत्री जी ने खुलकर बोला भी है कि वो इंक्लूसिव सरकार नहीं है। तो खुलकर जो हमारी राय एक सेकंड शाजी आपको रोक रही हूँ, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें आ रही है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त व्हाइट हाउस में दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से में जो ओपन टेरेस है वहां पर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो इंटरेक्शन हमने देखा है उसके अलावा भी दोनों आपस में मिले हैं, ऑफ रिकॉर्ड भी चर्चा हुई होगी, बात हुई होगी, एक वार्मिंग जिसे कहा जा सकता है। यानी आने वाले वक्त में अगर एक लंबी पारी इस दोस्ती की होनी है तो उसकी एक 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 गर्मजोशी के साथ शुरुआत के तौर पर जरूर इसे देखा जा सकता है। जिस तरह से एक बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री को वो इन हिस्सों में ले जा रही हैं, ये तस्वीर ये बताती हुई कि किस तरह से कमला हैरिस के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैसे भी बातचीत हुई है, और कुल मिलाकर व्हाइट हाउस जहां पर जो बाइडेन से कल मुलाकात होनी है लेकिन उससे पहले कमला हैरिस से ये मुलाकात एक तरह का इशारा करती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर इस पूरे भारत और अमेरिका के रिश्ते को एक नए होराइजन पर, एक नए पैमाने पर, यानी राष्ट्रपति कोई भी हो, बराक ओबामा रहे, पीएम उनसे मिले, ट्रंप हो, अब जो बाइडेन और उनके साथ उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं। और कहा भी जाता है डिप्लोमेसी में कि ये पार्टिजन होता है, जिसमें बायपार्टिजन इसलिए क्योंकि कोई भी पार्टी आए, कोई भी सरकार हो, नीति जब दो मुल्क आपस में बनाते हैं तो वो हमेशा सजो कर रखने के लिए होती है, और उसी दोस्ती को बहुत धीरे धीरे उसकी नींव तैयार होती है शाजिया, और तभी वो दोस्ती इस मकाम तक पहुंचती है जहां पर हम वाकई दो देशों में एक बेहतर रिश्ता देखें, एक कमिटमेंट देख सके। क्योंकि देखिए हर देश अपनी सोच, अपनी जनता की सोच, अब कैसे अफगानिस्तान से अगर अमेरिकी सेना हटी तो जाहिर तौर पर वो अपने अपने देश और अपने सैनिकों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इसी के साथ टेररिज्म का वो गढ़ बनेगा, ये हिन्दुस्तान की सोच है। तो दोस्ती एक तरफ, कूटनीति दूसरी तरफ, और बीचों बीच फिर वो लकीर खींचनी पड़ती है जिसमें आप एक दूसरे की मदद कर सके। देखिए रेपरकशंस होते हैं, और ये रियलाइजेशन है, ये एहसास है, मुझे लगता है ये आभास दोनों तरफ है और दुनिया देख रही है इस पूरे। और अगर आप सिर्फ यूएन की बात करेंगी तो आप देखिए जो जो कैबिनेट में जो लोग मौजूद भी हैं इस वक्त, अगर आप चाहे वहाँ के जो डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगी तो वो ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेटेड हैं। तो मतलब या तो यूनाइटेड नेशंस अगर रिव्यू भी करेगा स्टेटस को तो वो टेररिज्म की ही डेफिनेशन को रिव्यू करे, या वो उस डेजिग्नेशन जो दी है, क्योंकि डेजिग्नेट टेररिस्ट अगर उसके मेंबरान हैं कैबिनेट के वहां पे, तो अपने आप में वो बहुत ही सोच समझने की बात है। क्योंकि अगर आपने अगर वहां पे जो जो तालिबान की कैबिनेट है उनमें लोगों को बाकायदा ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो बाकायदा ये आसानी से नहीं मिलते हैं इस तरह के, मतलब इस तरह के ड्यूबियस डिस्टिंक्शंस में कहूंगी उनको, लेकिन अगर ये है तो ये बहुत सोच विचार करने की बात है। तो ये यूनाइटेड नेशंस में इतने ढेर सारे सिग्नेटरीज हैं, ये उनको सोचना पड़ेगा और पूरी दुनिया ये देख रही है। तो मुझे लगता है भारत का काम बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारत का सपोर्ट ऑलरेडी बहुत सारे देशों से मिल रहा है।
जहां तक बात है उनकी बायलैटरल मीटिंग जो जो बाइडेन से होनी है, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे कॉमन एरियाज हैं जिस पर बात करनी है। इकोनॉमिक है मैटर्स, ट्रेड रिलेटेड हैं, और इतने कॉमन एरियाज हैं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो ये जियो पोलिटिकल जो चीज़ें बदली हैं और जो स्पिल ओवर, ये जो टेरर जो है, ये जो आतंकवाद, जो ये दहशतगर्दी जो उमड़ उमड़ कर फैल सकती है और पूरे खित्ते को एक दहशत में डाल सकती है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो और इसके पता नहीं क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये सिर्फ भारत के लिए फिक्र की बात नहीं है, ये सबके लिए फिक्र की बात है। इसमें तुर्की का क्या रोल होगा, इसमें यूएई इसको कैसे देख रहा है, और उसमें दो चैलेंज भी यही है शाजिया जी, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस बदले हैं। बिल्कुल, चैलेंज भी यही है कि हम कैसे पूरे विश्व को ये कन्विंस कर पाए कि आप गुड और बैड टेररिज्म का, गुड तालिबान बैड तालिबान का ये फर्क करना छोड़िए। यही बात ललित, मैं आपके पास त्रिपाठी जी अब आ रही हूँ, जेके त्रिपाठी जी, क्या यही बात प्रधानमंत्री जो बाइडेन के सामने, हिंदुस्तान की जो चिंता है अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को लेकर, क्योंकि पूरी लिस्ट ही मंत्रियों की आतंकियों की बनी हुई है, वही लिस्ट बनी है जो पाकिस्तान ने बना के भेजी, जो आईएसआई चीफ वहां बैठे हुए थे, क्या इस कंसर्न को इस मंच पर पीएम रख पाएंगे, रखना चाहिए और किस सशक्त तरीके से रखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये समस्या भारत के लिए बहुत बड़ी है और भारत की ये समस्या आतंकवाद से निपटने की या तालिबान को मान्यता देने की, ये अमेरिकन समस्या से भिन्न है, क्योंकि अमेरिका तो वहाँ से हट चुका है और अमेरिका का इस क्षेत्र में अब कोई सक्रिय योगदान नहीं है। लेकिन भारत है जो कि इससे प्रभावित हो सकता है वहाँ उभरते आतंकवाद से और किसी से, तो ये चीज़ हम वहाँ रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ को बड़ी सक्षमता से वहाँ रखेंगे। अब गुड तालिबान या बैड तालिबान का ये जो कंसेप्ट है, ये आज का नहीं है, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका का पुराना कंसेप्ट है। आपको याद होगा शायद कि प्रेसिडेंट निक्सन से जब ये कहा गया था कि आप पाकिस्तान को प्रश्रय दे रहे हैं, पाकिस्तान रफ स्टेट है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा आई एग्री दैट पाकिस्तान इज अ बास्टर्ड कंट्री बट इट इज आवर ओन बास्टर्ड। तो वो चीज होती है कि आप किसी को बदमाश हो, किसी को कोई गलत देश हो, लेकिन आप कहेंगे नहीं ठीक है वो बदमाश है लेकिन वो हमारे देश है, हमारे साथ है। तो यही चीज आगे आके गुड और बैड तालिबान में आ गई। लेकिन अब जब अमेरिका के ऊपर 9/11 हुआ और उसके बाद कई देशों में पश्चिम में हमले हुए, तब अमेरिका को भी शायद धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ये गुड और बैड तालिबान का जो है मतभेद नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही देखिए एक चीज़ ये भी हुई है कि अब इन देशों को ये समझ में आने लगा है कि हमको साथ मिलकर एकजुट होकर के इस बुराई से लड़ना चाहिए। और यही चीज़ भारत बहुत पहले से 80 के दशक में कहता आ रहा, लेकिन तब कोई नहीं माना। हाँ। और अंजना, इसके अलावा इससे पहले कि हम आगे बढ़े बुलेटिन में, आइए एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं, ठीक है शाजी, आप पूरी बात कर ले, फिर हम एक बार फिर से सुनाएंगे कि आखिर कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे से क्या बात कही। जी बोले जी, खुद अमेरिकन पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे खुद डेमोक्रेट पार्टी में भी इसको लेकर बहुत चर्चा है, इसको लेकर बहुत अकाउंटेबिलिटी की बातें हो रही हैं। तो ये बात रिपब्लिकन्स ने उठा रहे हैं, खुद उनकी पार्टी के भी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, सीनियर सेनेटर्स हैं, वो उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस पर जवाबदेही बनेगी। तो ये बात उनको भी इसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये इसको आप सिर्फ यूएन पर छोड़ देंगे, ये अमेरिका के अंदर भी इसको लेकर डिबेट है कि आगे का रास्ता क्या होगा, अमेरिका इस पर क्या पोजीशन लेगा, क्या जो चाइना जो स्टैंड ले रहा है उस पर अमेरिका को क्या बोलना है। तो मुझे लगता है आप ये पूरे ग्लोबल थिएटर में, पूरे ग्लोबल स्टेज में सबको स्टैंड क्लियर करना है, और मुझे लगता है इंडिया बहुत ही सक्षमता से, बहुत ही प्रखर रूप से इस बात को रखेगा, और मुझे लगता है इंडिया को पूरी तरह से सपोर्ट मिल भी रहा है और मिलेगा।
जी आप बने रहिए हमारे साथ। आइए अपने दर्शकों को एक बार फिर से जरा सुनाते हैं कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका की, पीएम मोदी के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो दोनों ने क्या कुछ एक दूसरे से कहा है।